एक बात तो अच्छी हुई, गोनकस के साथ होली मनाने के बहाने जयपुर में खाटू श्याम जी के भी दर्शन हो गए। बिल्कुल सही कहा, पर अब थोड़ा जल्दी करते हैं, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे और रास्ते से उनके लिए फल और मिठाइयां भी खरीदनी है। हाँ भैया चलिए। चलिए, मुझे तुम्हारी होली का त्योहार ही समझ में नहीं आता, अजीब बेवकूफी है। पहले इतना खुश होके सबके ऊपर रंग लगा और बाद में मेहनत कर करके रंग निकालो, अगर रंग निकालने है तो फिर तुम कलर लगा के खेलो, मैं तो नहीं खेलना। जसविंद जी, जब आप सबको होली में मस्ती करते हुए देखेंगे ना, तब आपका भी मन कर जाएगा, पर संभालिएगा कहीं सबसे ज्यादा मस्ती आप ही ना कर लें। बिल्कुल नहीं जी। क्या हुआ राधिका? तुमसे पूछ रहा हूँ, खड़े खड़े सो गए तुम? सॉरी नाहर जी, मैं वो बच्चों के पीछे भाग रही थी तो इसलिए। वैसे हैप्पी होली। हैप्पी होली। नो नो प्लीज सॉरी रोहित, मुझे ये होली कुछ खास पसंद नहीं है। वो एक्चुअली पापा ने घर में फंक्शन रखी है तो इसलिए रुक गया, सिर्फ उनकी खुशी के लिए। प्लीज डोंट माइंड। या रोहित बेटा, हैप्पी होली। हैप्पी होली मम्मी जी, हैप्पी होली पापा जी, हैप्पी होली भाभी, हैप्पी होली सब भैया, हैप्पी होली सबको, हैप्पी होली दादा जी, जी हैप्पी होली है। और वो देखो ठंडाई वाले ने ठंडाई बनाना शुरू ही कर दिया। आएगा असली मजा है। रोमिल जी, भांग तो नहीं है ना? नहीं पापा, आप एकदम निश्चिंत रहिए। और हाँ भाभी, आपकी स्नैक्स देखे ना? हाँ हाँ मेरी दीदी, मैं बस खाटू जी को भोग लगाकर उसके बाद बाहर ही सबका नाश्ता लगवाती हूँ। हैप्पी होली। सॉरी मैडम, हैप्पी होली। हैप्पी होली। ये होली में ना रंग तक ठीक है, त्योहार के नाम पे ये लोग जो शराब और भांग पी के होड़ंग मचाते हैं ना, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। खैर छोड़, चलो वो संभाल के चलो। हाँ।
राधिका कुछ ज्यादा ही नजदीक आ रही है ना तुम्हारे दिव्यम। डोंट वरी, मैं वादा करती हूँ आज इस होली में तुम्हें फिर से अपने प्यार के रंग में रंग के रहूंगी। सॉरी अग्नि। ध्यान का है तुम्हारा रूही? वैसे रूही, लाल रंग ना प्यार का रंग होता है, और देखो आज के दिन ये मुझ पे चढ़ा है, तुम पर नहीं, और आगे भी मैं तुम्हें इस रंग में नहीं रंगने दूंगी। ये मेरा चैलेंज है तुम्हें। कितनी कमाल की बात है ना अग्नि, चश्मा मैं लगाती हूँ लेकिन नजरें तुम्हारी खराब है, ये दिख रहा है तुम्हें? ये मेरे प्यार का रंग है और ये उसी दिन मुझ पर चढ़ गया था जिस दिन नहार जी ने मेरे मांग में ये सिंदूर खोला था। हैप्पी होली दादी। होली के इस हर्षोल्लास के पर्व पर आपका गोयनका निवास में स्वागत। आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे होली की बहुत बहुत मुबारकबाद भाई आप सबको। आप सबको भी हैप्पी होली। हैप्पी होली। समधन जी, बुरा न मानो होली है, होली मुबारक। आपको भी होली मुबारक। इनसे मिलो, ये दिव्यम जी हैं हमारे पति। पिछली बार नहीं मिल पाई थी ना तुम। नमस्ते। अरे दिव्यम जी, गौतम जी आइए ना आप हमारे साथ, आपको हमारे यहाँ की स्पेशल ठंडाई पिलाते हैं। आइए ना, आइए। अरे आइए आप, ठंडाई में शोर होगी। आइए ना। अरे सजाता। नमस्ते। कैसी है आप? हम अच्छे, आप कैसी हैं? बिल्कुल। हैप्पी होली। हैप्पी होली। तुमने कैसे रख दिया? ये लड़की कौन है? आंटी जी, ये हमारी बहन है काया। राधिका, तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना, इसीलिए तुम्हें इतना प्यार करते करते घर का सारा खाना तुम्हें ही खिला देते होंगे, और इस बेचारी को तो मुश्किल से एक रोटी भी नहीं मिलती होगी। तभी तो देखो ना कैसी सूखी हड्डी सी, और तुम अच्छी खासी सेहत जी। वो दरअसल ये हमारी चचेरी बहन है। हो तभी मैं कहूँ इतना अंतर कैसे। अब राधिका तुम आओ, चलो मेरे साथ।
हमारे खास मेहमान है, जल्दी से बना के दीजिए चाट। एक्सक्यूज मुझे, एक फोन आ रहा है। हेलो जी, मिश्रा जी। दिव्यम अकेला खड़ा, यही मौका है उसे विश करने का। क्यों ना होली में पिछली बातों को बुलाकर एक नई शुरुआत करें। राधिका, अपने दादी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। फिर से भी हमें तो आदत है ये सब बातें सुनने की। भाभी वो मम्मी आपको ढूंढ रही थी। अरे राधिका जी, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। आपने नेल पेंट नहीं लगाया? आपको पता है आपके नेल्स में ना कलर घुस जाएगा ना, तो महीनों तक नहीं निकलेगा। हाँ अपनी जी, लेकिन हम कभी भी नेल पेंट नहीं लगाते हैं। तो कोई बात नहीं, आज लगा लीजिए। रुकिए, मैं एक मिनट अभी लेके आती हूँ। वैसे रूही, नाहर जी जो कहाँ है? नाहर जी वो रहे। छुप छुप के अपनी सखियों को देखने से अच्छा है वहां जाके ढंग से भर के उन्हें रंग लगाओ, तभी तो होली का मजा दुगना होगा। नहीं जूही, नाहर जी को रंग खेलना पसंद नहीं है। हाँ जूही, दिव्यम जी को भी नहीं पसंद है, लेकिन रंग लगाना हमें बहुत ज्यादा पसंद है। पर डर इस बात का है कि कहीं हमने दिव्यम जी को रंग लगाया और वो नाराज हो गए तो पूरा दिन ना सॉरी सॉरी बोल के मनाना पड़ जाएगा। ओहो, आप दोनों तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे निकले। अब डरपोक, एक मिनट। अरे ये जीना भी कोई जीना है क्या? लो, अपनी मुट्ठी में भरो ये गुलाल और रंग दो अपने पतियों को अपने रंग में। क्या हुआ, ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? अरे ऐसे दूर क्यों जा रहे, हुआ क्या है? बुरा न मानो, होली है। समर, हैप्पी होली। चाची साजी, क्यों ये कौन है? आपने परिचय नहीं करवाया इनसे जी। अब नौकरानियों का क्या परिचय कराना, क्यों भाभी कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। नौकरानी है, एक काम करो, जाकर हमारे लिए भी शरबत ले आओ। खड़े खड़े देख क्या रही हो, जाओ जाकर के शरबत लेकर आओ। जी, दोनों ससों को देख लेंगे। खाना पीना चल रहा है, बढ़िया है। खाइए खाइए। अच्छा ना, ये सब कुछ मेरी पोती का बनाया हुआ है। खाना बनाने में तो माहिर है मेरी पोती। वैसे हमारी बहू भी खाना बनाने में बहुत होशियार है पूनम जी। मेरी पोती से होशियार नहीं होगी, आपको पता है मेरी पोती ने अभी अभी सुपर वुमन ऑफ जयपुर का कॉन्टेस्ट जीता है। अच्छा, हमारी बहू भी मिसेस कानपुर है।
वैसे तो बुरा न मानो होली है, मतलब मजाक होली में चलता रहता है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये तो झूठ बोलने की आपकी हद हो गई सुजाता जी। इतना बड़ा मजाक, मतलब आपकी आपकी बहू और मिसेस कानपुर। फसल देखा है आपने उसका कितना ज्यादा है। आपको क्या लगता है पूनम जी, हम झूठ बोल रहे हैं? आपकी बहू को देखकर तो ऐसा ही लगता है, बल्कि ये भी लगता है कि आपकी बहू रसोई में खाना बनाती कम है, खाती ज्यादा है। पूनम जी, आपको लगता है हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमारी बहू सर्वगुण संपन्न है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आपकी बहू ने बनाया तो होगा ना वो गुजिया, लेकर आइए हमें पीछे खुआइए, अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्यों समधन जी, है ना? ठीक है, तो हम अभी आपको अपनी बहू राधिका के हाथ की बनी गुजिया खिलवाते हैं, पर हाँ ध्यान से खाइएगा पूनम जी, कहीं ऐसा ना हो कि गुजिया खाते खाते आप अपनी उंगलियां चाटती रह जाए। बहुत नाजुक है मेरी उंगलियां, अब लाइए तो। ये राधिका कहाँ रह गई? डन, कैसे लग रहे? बहुत अच्छे हैं। अब बस इन हाथों को संभाल के रखिएगा, कहीं आपके पति इन्हें देख के किस ना कर दे। बहुत सुंदर है, बिल्कुल आपकी तरह। यार कितना कुछ अच्छा अच्छा है खाने के लिए, क्या खाऊं? या देवे वहां चीट दे तो बनता है तेरा। त्रिवेम जी ये देखिए, देखिए तो ये कितने स्वादिष्ट पापड़ हैं। ये देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट और कुरकुरे हैं, देखिए तो सही एक बार। नहीं, पापड़ खाने का मन नहीं मेरा। तो ये लीजिए ना, ये पनीर टिक्का खा लीजिए, ये खाइए ना। नहीं, एक काम करता हूँ, पापड़ ही खा लेता हूँ। वैसे राधिका, तुम्हें नहीं लगता कि ये नेल पॉलिश दिखाने का तरीका थोड़ा सा पुराना हो गया? अच्छा लग रहा है वैसे। राधिका, शर्माना हो गया तो चले। अब परीक्षा की बारी है। परीक्षा मतलब? योगी तुम जो, हम ये बना लेंगे। नहीं राधिका, तुम मेहमान हो हमारे, सुजाता आंटी का ऑर्डर नहीं होता तो मैं तुम्हें यहाँ आने भी नहीं देती। पर अब बड़ों ने कहा है तो उनकी बात को टाल भी नहीं सकते, मैं यहाँ रुककर तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अच्छा जी, तो अब हम बहन के घर में मेहमान बन गए? नहीं राधिका, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस। रोही तुम जाके मेहमानों का ख्याल रखो, हमें ना हम ये सब कर लेंगे। ठीक है, पर कुछ चाहिए होगा तो बता देना। हाँ सॉरी राधिका, पर मैं तुम्हें सबकी वाहवाही लूटने नहीं दूंगी। ये कौन चिल्लाया? बेटा उठो उठो, आराम से आराम से।
क्या हुआ बेटा, आप ठीक है ना? हाँ आंटी, मैं ठीक हूँ। ये भगवान, तो गैस खुली छोड़कर चले गए थे, तेल भी इतना उबल गया है। अरे राधिका बेटा, अरे ये क्या कर रही हो? ये सब महाराज जी कर लेंगे, तुम चलो। लेकिन आंटी जी, माँ जी ने हमें गुजिया बनाने के लिए कहा है। कोई बात नहीं, तुमने सारी तैयारी तो कर ही ली है, बस तलना है, वो महाराज जी कर लेंगे, तुम चलो। ठीक। मैं जानती हूँ दिव्यम के दिल में आज भी मेरे लिए प्यार है, और ये भांग उसकी दिल की बात जुबान पर लेकर ही आएगी। पहले मैं राधिका का तमाशा देख लूं, उसके बाद मेरे प्यार के इजहार की खुशी दुगनी होगी। हम दोनों सासू को सबक सिखा पाते। नौकर बना के रख दिया मैं, कली ये कर दो, कली वो कर दो, कली यहां सफाई कर दो, कली वहां सफाई कर दो। ये तो भांग है। हे भगवान, आपने तो बड़ी जल्दी सुन ली हमरी। अब आएगा मजा। गुजिया बनाया आपकी बहू ने, ये इतनी कड़वी कैसे बनती गुजिया? कड़वी है? गुजिया खून? हे भगवान सत्यानाश, खून वाला गुजिया खा लिया मैंने? आपकी बहू कोई तंत्र मंत्र करती है क्या? आप तो बड़ा कह रही थी आपकी बहू सर्वगुण संपन्न है, ये जादू टोने में महारत हासिल की है उसने लगता है। नहीं नहीं आंटी जी, हमने इसमें कोई खून नहीं मिलाया है। ये खून नहीं तो क्या है, है? हम देखते हैं। क्या है राधिका, नेल पेंट लगाने का इतना शौक है कि नेल पेंट लगाने के साथ साथ तुमने गुजिया में भी गिरा दिया? तुमने आज सबके सामने हमारी नाक कटवा दी है, इसका सबक तो तुम्हें जरूर मिलेगा राधिका। सुजाता, हमने कुछ नहीं किया, हमने कोई नेल पेंट नहीं बनाई। लेकिन ये गुजिया तो कुछ और ही कह रही है राधिका। हाँ, इसकी सजा तो तुमको मिलकर रहेगी। रुक जाइए आंटी जी। रोही, हाथ छोड़ो, मैं कहती हूँ ये सुजाता जी को सुलझाने दो, ये इनके घर का मामला है बेटा। दादी, मैं इनके घर के मामलों में नहीं पड़ रही, बस जो सच है वही बता रही। आंटी जी, आपने इतनी आसानी से राधिका पर इल्जाम तो लगा दिया, पर एक बार इसके हाथ तो देखिए, किसी भी नाखून से नेल पेंट नहीं छूटा है। और इसके नाखून को देखिए, इसमें बहुत अच्छे से नेल पेंट लगा हुआ है, और राधिका को नेल पेंट अवनी दीदी ने लगाया था, वो भी किचन से बाहर। वैसे बात तो सही है ना रूही की, तो फिर गुजिया में नेल पेंट आया कहाँ से? सुजाता जी, जाने दीजिए, आप शायद किसी बच्चे ने शरारत की होगी, और आज त्योहार के दिन अपना मूड मत खराब कीजिए। आप चलिए मेरे साथ बाहर, चलिए, आइए आइए सुजाता जी। चलो सुजाता। आज मुझे राधिका को सबके नजरों में गिराना था, लेकिन वो रूही ने
रोहिणी ने राधिका को फिर से बचा लिया। काश काश मैं राधिका को किसी कमरे में बंद कर पाती ताकि वो दिव्यम के साथ होली ना खेल पाए। घबराओ नहीं, मुझे अपना दुश्मन नहीं तो समझो। खैर, एक जगह है इस घर में जहां तुम अपने काम को अंजाम दे सकती हो और किसी को भनक तक नहीं लगेगी, लेकिन मदद के बदले मुझे भी तुम्हारी मदद चाहिए होगी। उस राधिका के साथ साथ मुझे रूही को भी कमरे में बंद करना है। ये रंग हमारी दोस्ती के नाम। हाँ, हमारे दोस्ती के नाम। हैप्पी होली। हैप्पी होली। चाहे कुछ भी हो जाए, रूही को नहार के साथ और राधिका को दिव्यम के साथ हम होली नहीं खेलने देंगे। बाहर स्नैक्स खत्म होने वाले, मैं किचन से और स्नैक्स लेकर जाती हूँ। आवाज कहां से आई? बचाओ, बचाओ, प्लीज। ये तो किसी के चिल्लाने की आवाज है, लेकिन ये कहां से आ रही है? मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए। किसकी आवाज थी, कहां से आ रही थी? तो स्टोर रूम से आ रही है। कहीं कोई स्टोर रूम में तो फंस नहीं गया है ना? कौन है? किसी ने मुझे आवाज दी थी क्या? कोई है क्या यहाँ पर? दरवाजा किसने बंद किया? अग्नि, अग्नि, ये तुमने किया क्या? अग्नि दरवाजा खोलो। अब तुम्हारी बारी। राधिका जी, तुमने रूही को देखा है क्या? अभी तो यहीं पर थी, शायद अंदर गई होगी। अच्छा, वो एक्चुअली यहाँ पे गुलाल ख़त्म हो गया था। अब तुम्हें पता है क्या गुलाल कहाँ है? मतलब तुम यहाँ पहले भी आई हो ना? हाँ, अंदर स्टोर रूम में ही होगा। तुम प्लीज़ जाके गुलाल ले आओगी? जी। यहाँ पर तो गुलाल गिरा हुआ है, इसका मतलब होली का सामान इसी कमरे में होगा। हम जाकर लेकर आते हैं। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? हवा से बंद हुआ है क्या? कोई है? कोई बाहर है क्या? यहाँ मंदिर बंद हो गए। राधिका के वजन की वजह से हर जगह हमारी नाक कटी है और आज आज उसके हाथ की बनाई हुई गुजिया की वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। थैंक यू। सुजाता, तुम ये सब छोड़ो और ये लो पान खाओ और गम बुलाओ। रूना, चलो। कैसी है?
अच्छा अच्छा बॉडी बहुत है। अब जब ये भांग वाला पान अपना असर दिखाएगा तब आएगा मजा। सुजाता क्या कर रही हो ये? सुजाता रखो इसे वहां पे। मुन्ना के पापा, आपने हमको हमारे मुन्ना के साथ बाहर क्यों नहीं जाने दिया? बताइए क्या कर रही हो? तो क्या कर रही हो? गोलू के पापा, आप काम क्यों नहीं करते हो? ये क्या बचपन है, रखो इसे नीचे। ढूंढ रही हो क्या? हाँ, ये तुम्हें कहाँ मिला? किसी ने ठंडाई के पीछे छुपा दिया था। फिर तो ये भगवान का इशारा है कि किसी ठंडाई में मिला के रंग जमा दिया जाए। कोई है? हम यहाँ फंसे हुए हैं, प्लीज हमें यहाँ से निकालिए। बस तो राधिका की, राधिका, राधिका तुम कहाँ हो? रोही, राधिका, राधिका तुम हो क्या? रोही, दीवार के उस पर तुम हो क्या? हाँ हाँ राधिका, मैं ही हूँ। मैं स्टोर रूम में बंद हो गई हूँ, पर तुम कैसे बंद हो गई? रोही और हम यहाँ पे गुलाल रूम में बंद हो गए हैं। रूही, शायद ना हवा से दरवाजा बंद हो गया है, लेकिन इस कमरे से निकलने का कोई रास्ता है क्या? अगर हम ज्यादा देर तक गायब रहे ना तो दिव्यम जी बहुत परेशान हो जाएंगे हमारे लिए। रूही कहीं नजर नहीं आ रही। राधिका भी कहीं दिखाई नहीं दे रही मुझे। एक्चुअली रूही की आदत है, उसने हमेशा दूसरों की परवाह रखी है और खुद के बारे में भूली जाती है। एंड आई एम श्योर उसने अभी तक कुछ नहीं खाया। राधिका की भी ना यही आदत है, ये दोनों बहनें एक जैसी हैं। बिल्कुल सही कहा। सच में दोनों बच्चियां बहुत ही खुशनसीब है कि इतनी परवाह करने वाले पति मिले उनको। लीजिए आप दोनों के लिए ठंडाई। सही किया तुमने, ठंडाई कली के हाथ से भिजवा के। थैंक यू अंकल, आप लीजिए ना प्लीज। हाँ दादू, आप लीजिए। मैंने अभी अभी पी, आप लोग पियो। अरे लो यार, चलो मैं आता हूँ। चीयर्स।
मैरिज। हैप्पी होली एवरीवन। हैप्पी होली। होली है भाई, होली है। शायद ना हवा से दरवाजा बंद हो गया है, लेकिन इस कमरे से निकलने का कोई रास्ता है क्या? राधिका, राधिका तू मेरी बात ध्यान से सुन। जिस कमरे में तू बंद हो ना, उस कमरे में ध्यान से देखो, वहाँ पर एक शेल्फ होगा, उसके पीछे एक छोटी सी खिड़की होगी, वो खिड़की बाहर की तरफ निकलती है, तो तुम उस खिड़की के जरिए आराम से बाहर निकल सकती हो और फिर तुम मेरा कमरा भी खोल सकती हो। देखो। ठीक है रूही, हम देखते हैं। रूही, ये खिड़की तो बहुत ज्यादा छोटी है, हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, हम फंस जाएंगे इसमें। राधिका, तुमने वैष्णो देवी के अर्धकुंवारी गुफा के बारे में सुना है क्या? हाँ हाँ सुना है हमने। तुम्हें पता है ना वो गुफा कितनी पतली है, पर जो लोग श्रद्धा से भगवान का नाम लेते हैं वो आसानी से उस गुफा में घुस जाते हैं, चाहे वो कितने भी मोटे हो, कितने भी वजनदार हो। राधिका तुम अपने वजन की फिक्र मत करो, बस तुम पूरी श्रद्धा से भगवान का नाम लेकर उस खिड़की को पार करने की कोशिश करो, तुम कर लोगी। जय भोलेनाथ। कैसे हुआ, हम इतनी सी खिड़की में से बाहर कैसे आए? हम पतले हो गए क्या? नहीं नहीं, हम तो वैसे ही हैं। वही सच कह रही थी, अगर श्रद्धा सच्ची हो ना तो असंभव काम भी संभव हो जाता है। राधिका, मैं ठीक, तुम ठीक हो ना? चलो। हैप्पी होली। Thank you.
नहार। तिफिम जी। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। हैप्पी होली। पर हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है, स्टोर रूम में हम दोनों को किसने बंद किया? तुम फिक्र मत करो राधिका, मुझे पता है, पर मैं उसे संभाल लूंगी। लेकिन राधिका, तुम्हारे खाने में नेल पेंट किसने मिलाया? पता नहीं रोहित, यहाँ तो हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कोई ऐसा क्यों करेगा। राधिका, कभी कभी दुश्मन दोस्ती का ऐसा नकाब पहन कर आते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, पर तुम अपना ध्यान रखना। अग्नि, कोशिश तो तुमने बहुत अच्छी की थी मुझे नहार जी से दूर करने की, पर अपने आप को देखो और मुझे देखो, नहार जी के प्यार का लाल रंग मुझ पर चढ़ ही गया। तुम कुछ नहीं कर पाए।